पीछे से एक जो बंदे ने उसका एड्रेस बताया खुद सामने आया और उसने बोला कि यहाँ पे ही रहते हैं, पर बोले यहाँ तो कोई नहीं है, बोले मैं ही खुद हाथ जोड़े उसने बोले कि मैं खुद आचार्य चाणक्य हूँ। तो उसने बोला कि आप इतने महान ज्ञानी, एक प्रधानमंत्री, इसके राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, और आप ऐसे छोटी झोपड़ी में, कुटीर में रहते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को मेरे राष्ट्र का, मेरी जनता का अगर मेरे को प्रधान है, तो मेरे को अगर सोल्यूशन निकालना है मेरे को उनके बीच में रहना पड़ेगा। तो सेम वे अपन अपने कॉन्सेप्ट, जैसे अपन मार्केट पे जाते हैं तो अपनी टीम, जैसे मेरे को अभी जैसे थॉट है कि अपन जो टीम है ऑफिस में, अपन एक फैमिलियराइजेशन ट्रिप कर सकते हैं ऑन साइट, जैसे आपके अकाउंट्स की टीम, कंप्लायंस की टीम, इनको एक साइट पे लेके जाने के लिए अपन जो काम करते हैं, मतलब टेक्निकल हो, हाउसकीपिंग हो, एडमिन हो, ये चीज कैसे चलते, जिस चीज कंपनी में काम करे पर एक्चुअली वो ग्राउंड पे कैसा है, तो फील्ड ट्रिप जैसे उनका करना चाहिए। तो बेसिकली इनसे पांच चीजें सीखने जैसी है फ्रॉम चाणक्य, जो अर्थशास्त्र किताब है उसमें से। अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स ऑफ एनीथिंग। सो उसमें सबसे पहली है कि संकल्प, आपका रेजोल्यूशन, कि आपका रेजोल्यूशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए आप कितने भी एफर्ट्स डालो पर रेजोल्यूशन मीट होना ही चाहिए, आपका जो संकल्प है वो आपको मिलना ही चाहिए, अचीव होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जब राजा सिकंदर जब भारत पे अटैक करने वाला था, तो जो चाणक्य थे वो कहे थे मगध राष्ट्र है, जो अभी मैं छत्तीसगढ़ और पूरा एरिया उसको मगध बोलते हैं, तो मगध राष्ट्र के जो राजा थे धनानंद, तो उनके पास गए और बोला कि अपना जो ये अभी अखंड भारत है उसको अखंड ही रखना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बोले कि आप बताओ, आप आए हो, आप मांगो क्या क्या चाहिए। तो बोले हमको आपकी सेना चाहिए, आपके लोग चाहिए, आपका एक्सपर्टीज चाहिए कि हमको ये अखंड भारत को अखंड रखे और सिकंदर को वापस भेज दें। तो वो बंदा हमेशा धनानंद हमेशा नशे में रहता था, तो उसने क्या किया, चाणक्य को पकड़ा और बाहर फिंकवा दिया, बोले तू एक राजा को सिखाएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो तभी उसके जो बाल थे वो खुल गए, शिखा खुल गई, तो उसकी शिखा खुल गई, तो चाणक्य तभी क्रोधित हो गया। तो तभी उसने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं ये राज्य पे मेरा आदमी नहीं बिठाऊंगा या फिर मैं राज्य नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो उसके लिए उसने फिर बहुत सारे, उनके शिष्य में था मौर्य, तो उसने उसको ट्रेन किया, ग्रूम किया, और उसको एक काबिल बनाया कि उसने अपनी उस गद्दी पे चंद्रगुप्त मौर्य, और तो वहां तभी से वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य करके हुए। तो आइडिया ये है कि अगर आपका एम सही हो, कि आपका एम डिफाइंड हो, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तो सक्सेस इज अचीवेबल, और इजी नहीं था। तो यू नो सेम टाइम, सो जब आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। तो सेकेंड उसमें से सीखने जैसा है कि नेवर यू नो अपने कॉम्पिटिशन को वीक मत समझो। कि आप मार्केट में जैसे फर्स्ट एंट्री लेते हो तो ये मत समझो कि सामने वाला वीक है, हम लोग उसको हरा देंगे। तो जब सम्राट अशोक को जब वो ट्रेन कर रहा था गद्दी में बैठने के लिए, तो उसने अलग अलग जगहों से अच्छे अच्छे स्किल्ड वाले योद्धा लेके आए, और उसने एक बहुत बड़ा टीम बनाया, और बोले कि आप भी अपन अटैक करेंगे मगध पे, क्योंकि उसका संकल्प था कि मेरे को मेरा राजा इधर बिठाना है। तो उसने एक टीम साथ में बनाई और जाके डायरेक्टली मगध पे अटैक किया। बट मगध राष्ट्र का जो राजा था वो भी वीक नहीं था, उसने क्या किया, इनको कुछ दिनों में पूरे हरा दिए। तो इनके अच्छे अच्छे जितने योद्धा थे सबको मार गिरा। हाँ, नंदा डायनेस्टी अलग थी, नंदा डायनेस्टी चाणक्य आता है। तो बेसिकली मगध राष्ट्र पे उसको अटैक करने का, उसको वहां पे थ्रोन पे बैठने का था या अपने आदमी को बिठाने का था। तो उसने क्या बोला कि अटैक किया तो वो लोग को एक ही ऑप्शन था, भागना। तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य दोनों वहां से भाग निकले। तो भाग निकले वो एक झोपड़ी में चले गए, तो एक झोपड़ी में एक माँ अपने बेटे को खाना खिला रही थी, तो वहां पर जाके बैठे, इनको भी खाना परोसा, उनको पता नहीं था ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आए हुए करके, तो उनको भी खाना परोसा। तो उसका बच्चा खाना खा रहा था, तो ये बच्चा खाना खा रहा था, वो खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी के बीच में डायरेक्टली हाथ डाल दिया, तो बच्चे का हाथ जल गया। उसने रिएक्शन दिया कि अरे तुम मम्मी बोले अरे तू क्या पागल के चाणक्य के जैसे कर रहा है। तो चाणक्य बोला कि अरे, पर उसको लगा कि अभी इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो माँ बोलती है तू क्या, जब
उसकी खिचड़ी थी ऊपर से और जो कोने होते हैं वहां से ठंडी हो रही थी, तूने डायरेक्ट बीच में क्यों हाथ डाला? तब चाणक्य को पता चला कि मेरी ये गलती थी, मैं डायरेक्ट उस पर अटैक किया था, मेरे को बाजू के राष्ट्र पहले कैप्चर करने चाहिए थे ना, और फिर नेक्स्ट राउंड में मैं उधर सेंटर में अटैक करता हूँ। तो उससे ये आइडिया मिलती है कि अपने जो कॉम्पिटिशन है, अभी अपने को समझो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स टारगेट करने हैं, सेंट्रल लैंड में बड़ी बड़ी सोसाइटीज आ रही है उसको टारगेट करना है, पर वो टारगेट करेंगे, पर उसके लिए अपन ने क्या किया, अभी बड़े बड़े ब्रांड जैसे हैं रुनवाल हो गया, महिंद्रा हो गया, फिर जीजी का महिंद्रा हो गया, एलएनटी हो गया, वहां पे अपने साइड से ये कवर पूरा बना लिया। अभी यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, तो अभी अपन सिस्टमेटिकली वहां पे अटैक कर सकते हैं, मतलब उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन डायरेक्टली जेल है कुछ में से डायरेक्टली भिड़े नहीं, अपन पहले छोटे बनाए, अपना एक ग्राउंड वर्क बनाया, एक एक्सपीरियंस बनाया, अभी अपन उसको सेंटर पे अटैक करेंगे। तो ये था कि अपना एम अच्छा होना, सही होना चाहिए, संकल्प अच्छा होना चाहिए। सेकंड था कि यू नो अपने दुश्मनों को वीक नहीं समझना चाहिए। तीसरा था कि तो हमेशा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, जो चीज प्यार से हो सकती है तो उसको प्यार से खत्म कर दो, क्योंकि प्यार से करने वाली चीज को जड़ से मिटा सकते हो। तो जब सिकंदर राजा जब हार के वापिस जा रहा था, तो उसका ऑन द वे उसकी डेथ हो गई, क्योंकि जब ये राजा ने अटैक किया था तो जो नदी थी वहां पे, नदी का नाम ही अदर है, तो बेसिकली नदी बहुत बड़ी नदी थी और उसको क्रॉस करने के लिए उनको बहुत चैलेंजेस थे। नदी क्रॉस करने के लिए यहाँ पे सिकंदर की आर्मी, यहाँ पे चाणक्य की आर्मी, मौर्य की आर्मी, तो ये लोग क्या करते थे कि इनको पता ये बहुत हावी मात्रा में, क्योंकि पूरा देश ये लोग कैप्चर करने को निकले थे। तो ये लोग ने क्या किया, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति अप्लाई, स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, और उनके बीच में कुछ लोग छोड़ दिए और उधर अफवाह फैलाने चालू कर दी कि ये नदी क्रॉस करिए, बहुत शापित नदी है करके, ये नदी क्रॉस करोगे तो प्रॉब्लम होना चालू हो जाएंगे। तो चाणक्य इधर लोग जो थे वहां पे, उनके इनके लोग वहां पे जो थे, उन्होंने उनके खाने में जहर थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वांटिटी में मिलाना चालू किया, कोई 5 घंटे में मर रहा था, कोई 3 घंटे में मर रहा था, कोई 1 महीने में मर रहा था। तो जब लोग आगे आगे आने लगे तो लोग मरने लगे, और इंसान नॉर्मल कॉमन मैन होता है, उसको अगर डर क्रिएट करो तो चीज जल्दी फैलती है ना, तो लोगों को पता चला कि ये बात थी वो सच है कि इसको क्रॉस नहीं कर सकते करके। तो राजा हार के निकल गया था वहां से सिकंदर, और उसके ऑन द वे डेथ हो गई थी। तो उसका जो जो मंत्री था लुकास नाम का, तो लुकास बोला है मेरे को इसमें कुछ तो गड़बड़ रख दी है, मेरे को वापस इस पे अटैक करना है। तो तब तक क्या हुआ था, जब तक वो लोग वापस आए तब तक लोग ये डायनेस्टी, हाँ चाणक्य भी इवॉल्व हुआ था, उसके उसके अंडर लीडरशिप के अंडर जो मौर्य थे वो भी इवॉल्व हुए थे, वो लोग स्ट्रांग हो गए थे। तो ये लोग ने जब वापस अटैक करने आए तो उसने देखा कि इनको हरा सकते हैं, तो इसने डायरी ये लोग ने अटैक किया, 3-4 दिन का युद्ध हुआ, 3-4 दिन उनको पता चला कि अपन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और हार गया। तो लुकास बेसिकली सरेंडर करने के लिए आया कि सर मैं सरेंडर कर सकता हूँ, मेरी जान बख्श दो। तो चाणक्य बोला ठीक है सरेंडर तो आपको करना ही है, पर इसके अलावा आपको आपकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी है। तो कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था ये चीज को चाणक्य को, कि आपकी जो नीति है जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा सही होती है, पर आपने आज मेरी शादी क्यों नक्की कर दी? तो ये लोग उसका दुश्मन है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो एक जंगल में लोग जा रहे होते हैं, जो वॉक के लिए लोग जाते हैं, तो जाते जाते पैर में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों के पैर में कांटा चुभ जाता है। तो मौर्य एकदम गुस्सा हो जाता है और वो तलवार निकाल के सारे जो बेल होते हैं उसको काटना चालू कर देता है। तो जब भी चाणक्य होता है तो बोलता नहीं इसको काटो मत, तो इसमें गुड़ और दही उसने पूरे झाड़ में डाल दिए, तो इसमें चींटियां कीड़े ये पूरे इसकी नींव पूरी हिला देंगे और ये जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जो चीज प्यार से होती थी तो उसके लिए क्रोध करने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो उसमें ये भी एक सीख मिलती है कि हमेशा गुस्सा इज नॉट द सॉल्यूशन, चीज जितना प्यार से होगी उतना प्रॉब्लम हमेशा के लिए निकल जाएगा। तभी उसने बताया था कि इसलिए मैं आपका प्रस्ताव जो रखा उनके सामने कि उनकी बेटी आपसे शादी, उसने ये भी बोला कि आपका जो बच्चा होगा वो इसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो लुकास उसके लिए भी रेडी था कि हाँ ठीक है, बोला अपने जो भी प्रस्ताव रखा शादी का, इसके बाद ही इतनी बड़ी सेना अपने पे कभी अटैक नहीं करेगी, क्योंकि अपने प्यार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
वैसे एक बार वो जो चाणक्य होता है तो एक बार दूसरे राजा की तरफ सिकंदर के टाइम में अप्रोच करता है, और राजा भी बहुत स्वाभिमानी होता है, तो वो बोलता है कि चाणक्य मेरे पास आया, मतलब वो खुद को बहुत ये समझता है कि प्राइड फीलिंग होता है उसके लिए कि चाणक्य मेरे पास सोल्यूशन के लिए आया, क्योंकि अखंड भारत को साथ में रखना था। तो उसका बेसिकली उसमें ये सीखने मिलते हैं अपने को कि यू नो जोड़ो पर तोड़ो नहीं। तो जो बंदा राजा होता है वो चाणक्य को एक तलवार गिफ्ट करता है, पूरी सोना और हीरो से लिखी हुई एक तलवार गिफ्ट करता है। तो चाणक्य बोलता है मैं तो विद्वान हूँ, मेरे को तलवार को कोई काम नहीं है, मैं तो कलम और स्ट्रैटेजी के दिमाग लगाने आदमी हूँ, आप मेरे को एक सुई दे दो। तो राजा बोलते हैं मेरे को सुई क्यों दो यार, आप मैं इतनी महंगी तलवार आपको दे रहा हूँ। बोले नहीं, मैं आपको एक प्रस्ताव लेके आया था भारत को साथ में रखने का, हाँ, तो ये जो सुई है वो एक प्रतीक होगा कि अपन पूरे चीज सबको जोड़ के रखे ना, और इसको पूरा अखंड जब रहेगा तब अपन और मजबूत रहेंगे। और फिर तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज किताब में से मिलती है कि सेल्फ स्टीम। तो अपना सेल्फ स्टीम बेसिकली हमेशा हाई रखना चाहिए, यू नो कभी आप गलत करोगे नहीं तो कोई आपको कोई गलत बोलेगा नहीं, पर सेम टाइम में आपको थोड़ा स्ट्रांग भी रहना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ स्टीम रखने के लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो जैसे HODs है अपने डायरेक्टर्स है, तो ये लोग अगर ये लोग का सेल्फ स्टीम हाई रहेगा, ये लोग हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो ना कोई आप पे उंगली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी दो तीन जो पिछली मीटिंग में थे जो चीज था कि आप जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आपको, अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई डोमिनेट नहीं करेगा, तो आप यू नो बोलते हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो ये पांच जो हमने जो लिए इसमें से अर्थशास्त्र में से, तो इसका जस्ट ग्लिम्स था।